केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का गया के सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने पुल गिरने के मामले पर जब सवाल किया तो उन्होंने साजिश की आशंका जता दी। मांझी ने कहा कि आखिर लगातार पुल गिरने की घटना क्यों हो रही है। काहे पुल गिरे हैं तो ऐसा तो लगता है कि साहब उसमें खराब मटेरियल लगा होगा, लेकिन आज से 15 दिन पहले या 1 महीना पहले पुल क्यों नहीं गिर रहा था या अभी क्यों गिर रहा है? इसमें कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि कोई साजिश तो नहीं है कि जानबूझ करके लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। और 2 महीना पहले ऐसा पुल गिरने का लगातार आपने उदाहरण देखा था, एक आध पुल कभी गिरा था, ऊपर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन लगातार पुल गिर रहा है, इसका मतलब हमको लगता है कि जानबूझ करके कहीं ना कहीं कोई सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा लोग कर रहे हैं।